हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे लेसन टू, वह आवाज। मंटू जब स्कूल से लौटा तो वह बहुत थका थका सा था। घर के दरवाजे में प्रवेश करते ही वह अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता था। आज उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वह अंदर घुसा चला आया। उसने अपने कमरे में जाकर बस्ता पटका और माँ की तलाश में निकल पड़ा। उसका जी कर रहा था कि वह झपट कर माँ के गले से लिपट जाए और रोना मुंह बना के उसे डांट पिलाए। आज तुम दरवाजे पे क्यों नहीं मिले? मुझे जोरों की भूख लग रही है। भूख की याद आते ही उसे लगा कि जैसे वह सचमुच ही भूखा है। रोज ऐसा होता था। स्कूल से आने पर माँ उसे खाने के लिए दे देती थी, लेकिन आज तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। आखिर बात क्या है? माँ कहाँ गई? सोचता सोचता वह रसोई के पास वाले कमरे में जा पहुँचा। वहीं बैठकर वह लोग खाना खाया करते थे। वह लोग बहुत अमीर नहीं थे। उनके घर में बढ़िया सी खाने की मेज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस दिन किसी को खाना होता, उस दिन दो तीन छोटी छोटी मेजें जोड़कर उन पर चादर बिछा दी जाती थी और खाना लगा दिया जाता था। अचरज से मंटू ने देखा कि आज भी सब कुछ उसी तरह लगा हुआ है। जरूर कोई खाने पर आने वाला होगा, तब तो बड़ा अच्छा, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलेंगी। यह सोचते सोचते उसकी निगाह मेज पर गई। उस पर सजा था खाने का सामान, सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल बीजी इत्यादि इत्यादि। उसने सोचा, माँ जरूर रसोई घर में समोसे बना रही होगी। हाँ, रामू भी नहीं दिखाई देता, वह जरूर बाजार गया होगा। पिताजी शायद अभी तक दफ्तर से नहीं आए, वह मेहमान को लेकर आएंगे, वह हमेशा ही ऐसा करते हैं। पर पम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? पम्मी मंटू की बहन है, जरूर उसके स्कूल में आज कोई खास बात है। उसे लगा जैसे वह अकेला है, आसपास कोई नहीं है। सामने फल और मिठाई देखकर उसके पेट में जोर जोर से चूहे कूदने लगे। तभी उसने सोचा, सॉरी सुना, जैसे कोई उसका नाम लेकर धीरे से पुकार रहा है, मंटू। मंटू चौंक पड़ा। उसने एकदम घूमकर पीछे की ओर देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। तब तक वह मेज के बिल्कुल पास आ पहुंचा। अब वह सब कुछ भूल गया। उसने हाथ बढ़ाकर एक चीकू उठाया, एक रसगुल्ला लिया और इधर उधर देखकर उसने दोनों चीजें खाई। लेकिन बार बार उसे ऐसा लगता रहा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा है, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया, यह चोरी है, तुमने माँ से नहीं पूछा। इतने में चीखती चिल्लाती उसकी बड़ी बहन पम्मी भी वहां आ पहुंची। उसने तेजी से अपना बस्ता पटका और बोली, अरे मंटू भैया, जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? मंटू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, वह अपने में खोया रहा। पम्मी ने यह देखकर पूछा, अरे मंटू भैया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? मंटू तलखी से बोला, यानी हल्का सा चिड़चिड़ेपन से, मैंने मम्मी को नहीं देखा। पम्मी बोली, तो आओ हम देखते हैं, आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं, वे उन्हीं के लिए समोसे बना रही होगी। यह कहती हुई पम्मी रसोई की ओर भागी। मंटू उसके पीछे पीछे चला। माँ रसोई घर में नहीं थी। दोनों बच्चे निराश होकर लौट ही रहे थे, तभी उन्होंने माँ को आते हुए देखा। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे जरा देर हो गई, आज तुम्हारे अशोक चाचा आ रहे हैं, उनको हमारे मोहल्ले की बर्फी बहुत अच्छी लगती है, वही लेने गई थी। अच्छा आओ, कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। दोनों बच्चे तैयार होने के लिए चले गए। पम्मी जोर जोर से कहानी पर कहानी सुनाती रही, लेकिन मोंटू बराबर कुछ सोचता रहा, बराबर कहीं खोया रहा। उसने अपने कपड़े बजाय खूंटी के पर टांगने के एक कोने में फेंक दिए। हाथ मुंह धोते समय दो बार लोटा उसके हाथ से छूट कर गिरा। यहाँ तक कि चाचा के आने पर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई।
उसे खुश करने के लिए चाचा ने कई गीत सुनाए, किंतु वह नहीं हंसा। उस रात उसने एक सपना देखा। चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं और कह रहे हैं, मंटू तुमने हमें अपनी मम्मी से बिना पूछे खाया था, तुमने ठीक काम नहीं किया। वह सवेरे उठा, किंतु वह अब भी प्रसन्न नहीं था। उस दिन उसने स्कूल का काम भी मम्मी से ही कराया। स्कूल में सबसे पहला पीरियड गणित का था, गणित यानी कि मैथ्स। आज उसके सारे सवाल ठीक थे। अध्यापक ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मोंटू तुम होशियार होते जा रहे हो, इसी तरह मेहनत करोगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। मोंटू ने अध्यापक की बातें सुनी, वह चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने फिर पुकारा है, मोंटू तुमने फिर गलत काम किया। मोंटू चौंक पड़ा, लेकिन जितना ही वह चौंकता आवाज उतनी ही तेज होती। उसने साफ साफ सुना, आवाज कह रही थी, मोंटू तुमने ठीक काम नहीं किया, सवाल तुमने अपने आप नहीं किए हैं, अपनी मम्मी से कराए हैं। मंटू ने सोचा, आखिर ये आवाज कहाँ से आती है? क्या मेरे अंदर से आती है? क्या रात के सपने की तरह सवाल भी मेरे पेट में बैठे हुए बोल रहे हैं? मंटू को लगा जैसे उसे पसीना आ रहा है। वह मशीन की तरह अपनी सीट से उठा और अध्यापक की मेज के पास आ गया, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी अध्यापक की मेज के पास आ गया। वह धीरे से बोला, सर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। अध्यापक ने पूछा, क्या बात? मंटू ने धीरे से कहा, सर ये सवाल मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने किए थे। अध्यापक ने मंटू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोले, तो क्या हुआ, आज तुमने अपनी मम्मी से पूछकर किए हैं तो कल अपने आप कर लोगे। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे सच बात बता दी। मंटू को लगा जैसे एक ही क्षण में सब कुछ पलट गया हो, वह बिल्कुल हल्का हो गया है। मास्टर जी जो कुछ पढ़ा रहे हैं वह सब उसे बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है। उसे बहुत खुशी हुई, वह दिन भर बहुत प्रसन्न रहा, लेकिन बीच बीच में मिठाई की बात उसे याद आती रही। छुट्टी मिलने पर वह सदा की तरह भागता हुआ घर आया, देखा माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। वह उसके गले से चिपट गया। मंटू बोला, मम्मी मम्मी मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था, कल जब मैं घर आया था तो तुम मुझे यहाँ नहीं मिली थी, मुझे बड़ी भूख लग रही थी, तुमसे बिना पूछे मैंने एक रसगुल्ला और एक चीकू उठाकर खा लिया। मम्मी एक क्षण को गंभीर हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, तो कल तुमने चोरी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही तुमने मुझे बता दिया, आओ कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। लेकिन हाँ बेटे, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? मंटू ठिठका फिर बोला, पता नहीं मम्मी, तब से बराबर कोई मुझसे कहे जा रहा है, मंटू तुमने गलती की है, असल में मम्मी वह चीकू और रसगुल्ला मेरे पेट में बैठे बैठे बोल रहे हैं, सपने में मैंने उन्हें ही देखा था। मम्मी का चेहरा खिल उठा, वह बोली, मंटू ये तुम्हारी अपनी ही आवाज़ है, जब कोई बुरा काम करता है तो वह आवाज़ तुरंत उसे चेता देती है, यानी कि वार्निंग दे देती है, चेतना दे देती है। मंटू बोला, मम्मी मैंने अध्यापक से भी कह दिया था कि आज ये सवाल मेरी मम्मी ने किए हैं, मैंने नहीं। वह बहुत खुश हुए। यह सुनते ही दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मम्मी ने मंटू को अपनी छाती में भर लिया, यानी कि गले से लगा लिया। फिर उसके गालों को बार बार चूमती हुई बोली, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही भोले और सच्चे हो। इस कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो बच्चों, हम इस कहानी में क्या देख रहे हैं कि एक मंटू नाम का बच्चा है।
वह एक दिन स्कूल से वापस आता है, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती दरवाजे पर जिस तरह हमेशा होती है। तो मंटू अपनी माँ को खोजने लगता है। इधर उसे भूख भी लगी होती है, तभी वो मेज पे बहुत सारी चीजें सजी हुई देखता है, जैसे कि सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल भिजी इत्यादि। और वहाँ पे देखता है कि मेज को लगाकर एक छोटा सा डाइनिंग टेबल की तरह भी बनाया हुआ है। तो वह समझ जाता है कि घर में कोई आने वाला है। तो फिर वह अपनी माँ को खोजने के लिए रसोई में जाता है कि शायद माँ समोसे बना रही होगी, पर माँ तो वहाँ भी नहीं थी। तो फिर वह उसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है, तो वह धीरे से एक चीकू और रसगुल्ला बिना किसी को पूछे खा लेता है। तो उसे महसूस होता है जैसे कि कोई उसे पीछे से पुकार रहा है कि मंटू, ये काम तुम गलत कर रहे हो जो तुम बिना पूछे खा रहे हो। मंटू पीछे मुड़कर देखता है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है। उसे यह समझ में नहीं आता है कि यह तो खुद उसके अंदर की आवाज़ है। बच्चों, हमारे अंदर की आवाज़ तब निकलती है जब कोई काम हम गलत करते हैं। इतने में उसकी बहन भी आ जाती है स्कूल से, और वह दोनों वापस मम्मी को खोजने लग जाते हैं, पर मम्मी तो नहीं होती। और फिर उसकी बहन पम्मी उसे बताती है कि आज उसके चाचा जी आएंगे घर पर, इसीलिए इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है। तो फिर मंटू और पम्मी दोनों ही देखते हैं कि वहाँ से मम्मी आ रही है, तो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वह जाके अपना कपड़ा बदलने लगते हैं। इतने में शाम को उसके चाचा जी आ जाते हैं, पर मंटू बहुत उदास था। क्यों उदास था? क्योंकि उसने बिना पूछे रसगुल्ला और चीकू खाया था, जो उसे लग रहा था कि गलत था। चाचा जी ने भी मंटू को बहुत हंसाने की कोशिश की, बहुत सारे गीत गा के, पर फिर भी वह उदास ही रहा। रात को भी सपने में उसको चीकू और रसगुल्ले आते रहे उसे कहने के लिए कि नहीं, तुमने गलत किया है, गलत किया है। अगले दिन वह उठकर स्कूल चला गया। सबसे पहला क्लास था मैथ्स का, और मंटू बहुत अच्छे से सारे मैथ्स के सम करके लाया था। मास्टर जी भी मंटू से बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ करी, और मंटू अपनी जगह पे जाके बैठ गया। लेकिन फिर उसे एहसास हो रहा था कि वह फिर कुछ गलत कर रहा है, यह उसके अंदर की आवाज़ थी। तो वह फटाफट अपनी सीट से उठा और मास्टर जी को उसने सारी सच्चाई बता दी। सारी सच्चाई बताने के बाद वह बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, और मास्टर जी ने भी उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि सच बोलने पर उसे उस शाबाशी दी। फिर वह घर गया वापस, और घर जाकर जब वह अपनी माँ को दरवाजे पर खड़ा देखता है, वह अपनी माँ के पास जाता है, उनसे लिपट जाता है, और माँ को भी सारी बात रसगुल्ले और चीकू के बारे में सच बता देता है। फिर माँ उससे पूछती है कि मंटू बेटा, तुम्हें यह सच बोलने के लिए किसने कहा? फिर मंटू बताता है कि कोई आवाज़ सुनाई देती है। फिर माँ ने कहा कि यह तुम्हारे अंदर की आवाज़ है जो कि तुम्हें गलत काम करने से रोकती है और सच बात बताने के लिए प्रोत्साहन करती है। फिर माँ बहुत खुश हुई मंटू के इस सच बोलने से, और उन्होंने मंटू को डांटने की बजाय उसे गले से लगा लिया और उसे कहा कि तुम बहुत ही अच्छे हो, भोले बच्चे हो और सच्चे हो। अब बच्चों, हम करेंगे शब्दा, भाषा बोध, शब्दा, निगाह, नजर, तलखी, तीखा स्वर, पीठ थपथपाई, शाबाशी देना। नंबर टू, आपको पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता होगा कि कुछ शब्द पुरुष जाति को बोध कराते हैं और कुछ शब्द स्त्री जाति को। जो शब्द पुरुष जाति को बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति को बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम करेंगे लिंग परिवर्तन। माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, भाई सॉरी बहन भाई, बेटा बेटी। नंबर थ्री, निम्न मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर वन, चूहे कूदना, बहुत भूख लगना, कल रात भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे।
नंबर टू, आंखों में झांकना, व्यक्ति के आंतरिक भावों को समझना, आंतरिक यानी कि अंदर के। मेरी माँ आंखों में झांकते हुए मेरी सारे मन की बातें समझ जाती है। नंबर थ्री, खोए रहना, अपने विचारों में लीन रहना। सीमा जब देखो अपनी विचारों में खोई रहती है। नंबर फोर, छाती में भरना, हृदय से लगना। देर से घर लौटे बेटे को माँ ने छाती में भर लिया। नंबर फाइव, पसीना आना, घबराहट होना। गणित के कठिन प्रश्न देखते ही दिनेश को पसीना आने लगा। नंबर सिक्स, चेहरा खिल उठना, प्रसन्न होना। विदेश से लौटे अपने बेटे को देखते ही माँ का चेहरा खिल उठा। नंबर सेवन, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। परीक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने राम की पीठ थपथपाई। नंबर एट, कहानी पर कहानी सुनाना, झूठ पर झूठ बोलना। राम तो हर समय कहानी पर कहानी ही सुनाता रहता है। नंबर फोर, जो शब्द एक होने का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं, जो एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं, यानी कि सिंगुलर प्लूरल। दरवाजा दरवाजे, बच्चा बच्चे, रसगुल्ला रसगुल्ले, बस्ता बस्ते, खूंटी खुटियां, मिठाई मिठाइयां, रसोई रसोइयां, चूहिया चूहियां। अब हम करेंगे नंबर फाइव, विपरीतार्थक शब्द लिखो, यानी कि ऑपोजिट। सच झूठ, आज कल, मेहनत आलस्य, उदास खुश, अमीर गरीब, भूख तृप्त, होशियार मूर्ख। वर्ण विच्छेद करो, बस्ता ब अ स त आ बस्ता, दफ्तर द अ आदा फ त अ र अ, रसोई र अ स ओ ई रसोई। नंबर टू, विचार बोध, यानी कि अब हम ये प्रश्न उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, मंटू के घर मेज पर खाने में क्या क्या सामान पड़ा था? आंसर, मंटू के घर मेज पर सेब चीकू संतरे रसगुल्ले दाल भिजी आदि सामान पड़े थे। क्वेश्चन नंबर टू, चोरी करने पर मंटू की अंतरात्मा ने क्या आवाज़ दी? आंसर, चोरी करने पर मंटू की अंतरात्मा ने आवाज़ दी, मंटू तुमने ठीक नहीं किया, यह चोरी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मंटू के घर चाय पर कौन आने वाले थे? मंटू के घर उसके चाचा अशोक चाय पर आने वाले थे। क्वेश्चन नंबर फोर, मंटू ने क्या गलत काम किया था? आंसर, मंटू ने किसी से पूछे बिना चोरी से एक चीकू और रसगुल्ला खा लिया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, मंटू के हाथ से लोटा क्यों गिरा? आंसर, घबराहट के कारण मंटू के हाथ से लोटा गिर गया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स हम यहाँ से देख लेते हैं, चित्र को देखकर आठ वाक्यों में उसका वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये रहा चित्र, इस चित्र को देखकर ही हमें आठ वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहला, चित्र में हम मंटू और पम्मी को देख सकते हैं। नंबर टू, वे दोनों स्कूल से आ गए हैं। नंबर थ्री, वे माँ को ढूंढ रहे हैं। नंबर फोर, मंटू पम्मी को उदास लग रहा है। नंबर फाइव, पम्मी मंटू से पूछ रही है कि उसकी उदासी का क्या वजह है। नंबर सिक्स, फिर पम्मी मंटू से माँ के बारे में पूछती है। नंबर सेवन, पम्मी फिर मंटू को बताती है कि आज घर पर चाचा जी आने वाले हैं। नंबर एट, वह दोनों अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, मंटू की जगह यदि आप होते तो क्या करते? आंसर, मंटू की जगह यदि हम होते तो चोरी करके फल या मिठाई नहीं खाते, बल्कि माँ से पूछ कर ही उन्हें लेते। तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर टू, वह आवाज़।
बाकी के सारे लेसन्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।